हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, अभी JEE और नीट दोनों स्कैम को लेकर जो पेपर में धोखेबाजी हुई है, धांधलेबाजी हुई है, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है CBI की तरफ से और अब NTA कटघरे में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ, नीट और JEE के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है NTA की तरफ से, CBI की तरफ से। यानी नीट और JEE एग्ज़ाम में जो धांधलेबाजी हुई थी, चीटिंग हुई थी, उसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, JEE एंड नीट स्कैम दोनों को लेकर CBI ने बड़ा खुलासा किया है और अब NTA कटघरे में आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आज सवालों के घेरे में है। फर्जीवाड़ा का जो मामला है वो सभी के सामने, चाहे वो JEE मेंस का हो या नीट का हो, CBI रोज नए खुलासे कर रही है। जब परीक्षा लेने वाले कर्मचारी ही फर्जीवाड़ा में संलग्न हो तो मामला गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही खुलासा CBI ने किया है। जमशेदपुर की न्यूज़ है, देश के दो सबसे बड़े प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा यानी JEE मेन और नीट मेडिकल को लेकर CBI ने कई बड़े खुलासे हाल के दिनों में ही किए हैं। इसको लेकर NTA अब कटघरे में आ गई है। अब यह सवाल उठने लगा है कि NTA का क्या कोई कर्मचारी इस पूरे प्रकरण में शामिल है? अगली बार फिर से ऐसा नहीं होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो NTA को अब इस तरह के सवालों का जवाब देना होगा, अभी तुरंत देना होगा, क्योंकि जिस तरह से नीट को पास कराने के लिए 50-50 लाख रुपए ऐंठे गए हैं, CBI ने दावा किया है कि नीट में धांधलेबाजी हुई है, जबकि NTA बराबर इस बात से मुकर रहा है, बोल रहा है कि सिर्फ चीटिंग हुई है और एक बच्चे के साथ हुई है, जबकि CBI ने, पुलिस ने हर जगह, हर शहर में इस धांधलेबाजी को सबूत के साथ पकड़ा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी NTA आखिर क्यों चुप है? नीट मेडिकल में भी गड़बड़ी का मामला आया, इसके पहले JEE मेंस में भी गड़बड़ी का मामला आया। JEE मेंस का सॉल्वर जो था जमशेदपुर के रंजीत शर्मा का CBI को अब भी तलाश है, तो वो अभी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन बहुत जल्द पकड़े जाने जाएगा। नीट की परीक्षा जब 12 सितंबर को हो रही थी तो देश में एक साथ पेपर लीक के मामले सामने आए थे, उसके बावजूद NTA ने एक दिन पहले जब पेपर लीक हो गया था तो क्यों नहीं पेपर को रद्द किया, क्यों नहीं अगले दिन पेपर कराया, पोस्टपोन कर सकता था, लेकिन NTA के डायरेक्टर विनीत जोशी जी चुप रहे। इस तरह से सॉल्वर गैंग जो मेडिकल की परीक्षा में नीट को पास कराने का ठेका लेते हैं, इसी तरह से JEE मेंस में भी कई गिरोह चल रहे हैं जो बच्चों को पास कराते हैं पैसे को लेकर। ऐसे में NTA के डायरेक्टर को अब आगे आके जवाब देना पड़ेगा, वरना उनका इस्तीफा देना तय है। NTA को इस बार से खारिज भी किया जा सकता है और हो सकता है कि अब नीट की परीक्षा फिर से CBSE कराने लगे। तो जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तुरंत आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि NTA अब सवालों के कटघरे में है। NTA के डायरेक्टर पूरी तरह से फंस गए हैं और कोई ना कोई NTA का कर्मचारी इन सारी धांधलेबाजी से मिला हुआ है। तो सारी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।